ये देखिए दोस्तों कितने कुरकुरे हैं ये कलमी कबाब, बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही क्रंची और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों ये चना दाल के कबाब हैं, ये बिल्कुल नॉन वेज कबाब नहीं है, वेजिटेरियन कबाब हैं, कलमी कबाब हैं, बच्चों के ये फेवरेट होने वाले हैं अगर आप इसको बनाएंगे दोस्तों, और ये टी टाइम या पार्टी स्नैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसको बनाने के लिए मैंने एक कप चना दाल ले ली थी जिसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो लिया था। अब इसको यहाँ पर मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। बेसिकली इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। जो इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे वो कोर्स पेस्ट होगा, दरदरा पेस्ट हम इसका बनाएंगे दोस्तों। इसको मैं पीस के आपको दिखाऊंगी कि हमें दाल कैसी पिसी हुई चाहिए यहाँ पर। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, एक छोटा चम्मच जितना मैंने नमक डाला है यहाँ पर। इसका ढक्कन लगा के बिना पानी डाले दोस्तों हम इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मेरी दाल पिस गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कुछ दाल के टुकड़े खड़े हैं, कुछ दाल बिल्कुल बारीक पीस गई है और कुछ दाल जो है वो दरदरी है। तो हमें बिल्कुल इस तरीके का पेस्ट तैयार करना है दोस्तों। दाल का पेस्ट हमारा यहाँ पर पिस कर अच्छे से तैयार हो गया है। इसको अब मैं एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ ताकि हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर सकें। दोस्तों ये जो कबाब है इसमें आप जो मसाले चाहें अपने मन से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज को बारीक काट लिया था उसको ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। हरे धनिया का पत्ता डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा, हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं दो। आप चाहें तो हरी मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपको लाल मिर्च डालनी है तो आप लाल मिर्च भी यहाँ पर डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ मैं दोस्तों। आप चाहें तो चाट मसाला और गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है मैंने यहाँ पर, और साथ के साथ हींग डाल रही हूँ मैं, लगभग दो चुटकी जितनी हींग डाल रही हूँ मैं। ये दाल के वड़े हैं दोस्तों तो हींग ज़रूरी है इसमें। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और मिक्स करने के बाद हम इसके कटलेट बना लेंगे। जो हमारे कटलेट या कबाब हम बनाएंगे दोस्तों उसके लिए हम हाथ को गीला कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने हथेली को अच्छे से पानी से गीला कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें एक बड़े चम्मच जितना मिक्सचर रख के इसको शेप दे रही हूँ, और इसको हम इमीडिएटली फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए जो तेल का टेम्परेचर है वो मीडियम से हॉट है इस समय दोस्तों। लगभग इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। इस समय जो हमारी दाल के कबाब हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं दोस्तों, इसको बहुत सावधानी से तेल में डालें। अगर आप सावधानी से नहीं डालेंगे तो ये इस समय टूट जाएंगे। और दोस्तों इसको बेसिकली हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि हम इसको फिंगर का शेप ईजिली दे पाएँ। ये देखिए दोस्तों इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे से फर्म नहीं हो जाते, बिल्कुल अच्छा राउंड शेप ले लेंगे दोस्तों ये फ्राई करने पे। लगभग 2 मिनट के लिए फ्राई किया है मैंने दोस्तों, और ये देखिए जो दाल के कबाब हैं वो अच्छे से फर्म हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी, और दोस्तों इसको यहाँ पर हम तलने के बाद फ्रिज में रख देंगे। मैं आपको बताऊँगी कि इसको डीप फ्रिज करना चाहें आप तो कैसे कर सकते हैं। इसको हम अहेड ऑफ टाइम बनाकर रख सकते हैं, लगभग 1 हफ्ते पहले भी हम इसको बना करके रख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैंने इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है, और 4 घंटे के बाद दोस्तों इसको मैं निकाल लूँगी, और निकालने के बाद इसको ऐसे फिंगर की शेप में काट लूँगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको डीप फ्रिज करके रखना चाहें तो इसको 1-2 महीने के लिए भी आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको स्टोर करना है तो यही स्टेज है। इस स्टेज पे जब आप इसको काट रहे हैं फिंगर चिप्स के शेप में तब इसको आप स्टोर कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको सर्व करना है तो इसको गर्मा गर्म तेल में फटाफट से फ्राई कर लें दोस्तों। लगभग 1 से 2 मिनट लगेगा एक बैच फ्राई होने में। बिल्कुल कुरकुरा होने तक इसको तलें दोस्तों, बिल्कुल क्रिस्प हो जाएगा ये तलने पर। इस समय जो तेल का टेम्परेचर है वो हाई है दोस्तों, हाई टेम्परेचर पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि जो दाल है हमारी वो अच्छी करारी हो जाए। बस तैयार हो गए हैं ये दोस्तों हमारे फिंगर चिप्स, कलमी कबाब बोलते हैं इसको, चना दाल से बनते हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है दोस्तों। इसको आप टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। क्रिस्प तो मैंने आपको बताया ही था कि ये कितने बने हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ रैट्स किचन में।